अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार ट्रेडिंग में एंटर करने जा रहे हैं तो हमें लगता है कि आपको अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करके करनी चाहिए, ना कि सीधा बैंक निफ्टी या निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेड करके। इसके पीछे रीजन यह है कि अगर आप डायरेक्टली ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे, जो कि ज्यादातर लोग आज के टाइम पर कर रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो उतार चढ़ाव होता है वो बहुत तेज होता है, यानी बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको लॉस हो जाएगा। तो इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो इस वॉलेटिलिटी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक दो दिन तो उन्हें प्रॉफिट हो जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो लॉस में ही रहते हैं। जबकि अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करके अपनी शुरुआत करेंगे तो वहां पे ऑप्शंस के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, इसलिए बिगिनर्स के लिए स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करना बेटर है। तो आज की वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यहां पर हम आपको बताएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप डेली इंट्राडे ट्रेड से 2 से 3 हजार रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखो, इंट्राडे जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है इंट्रा, जिसका मतलब होता है विद इन, और दूसरा है डे, इसका मतलब आपको पता है दिन। तो इसका मतलब है कि विद इन अ डे, यानी एक दिन के अंदर जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। अब ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, इसे कई बार डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्रेडर है वो एक ही दिन में शेयर को बाय एंड सेल करता है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि शेयर की जो प्राइस है वो डेली बढ़ती है और घटती है, तो ऐसे में अगर आप सुबह शेयर को बाय कर लेते हैं और पूरे दिन में प्राइस जो बढ़ती है, शाम को या एक घंटे बाद या जितनी देर में प्राइस बढ़ जाती है उतनी देर में एक ही दिन के अंदर आप उस शेयर को सेल कर देते हैं, तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। तो चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो मान लेते हैं कि आप ITC कंपनी का शेयर बाय करते हैं, जिसके एक शेयर की प्राइस चल रही है ₹300, और इसके आप 100 शेयर बाय कर लेते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी, वो होगी ₹30,000। तो आपने ITC कंपनी के 100 शेयर बाय किए ₹30,000 देकर। ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मान के चल रहे हैं, और यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आपने सुबह 10 बजे बाय कर लिए। अब मान लेते हैं कि आपके बाय करने के एक घंटे बाद, यानी सुबह 11 बजे ITC के शेयर की जो प्राइस है, जो कि पहले ₹300 थी, वो बढ़कर अब ₹310 हो जाती है। तो आपने 100 शेयर्स बाय कर रखे थे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये हो जाता है ₹31,000। यानी आपने ₹30,000 में ITC के शेयर्स बाय किए थे और सिर्फ एक घंटे बाद ITC के एक शेयर की प्राइस सिर्फ ₹10 बढ़ी, लेकिन क्योंकि आपने 100 शेयर बाय किए थे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बढ़कर अब ₹31,000 हो चुकी है। तो आपने ₹30,000 इन्वेस्ट किए थे और उसकी वैल्यू सिर्फ एक घंटे में बढ़कर ₹31,000 हो गई, तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो होगा ₹1,000 का। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में स्टॉक्स को बाय करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि आपके बाय करने के बाद ITC के शेयर की प्राइस ₹310 पहुंच गई, यानी ₹10 बढ़ गई, और आपने 100 शेयर बाय किए थे तो आपको ₹1,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि अगर शेयर की प्राइस ₹10 गिर जाती तो इस केस में तो आपको ₹1,000 का लॉस हो जाता। तो ऐसे में क्या आप अगले दिन तक उस शेयर को होल्ड कर सकते थे, यानी आज भले ही प्राइस गिर गई है, क्या आप अगले दिन तक उस शेयर को रख सकते थे? इस केस में आप रख सकते थे, क्योंकि यहां पर आपने पूरे ₹30,000 देकर उन शेयर्स को बाय किया था। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग जनरली लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है, और वो मार्जिन अप टू 4 times होता है। यानी इस केस में आपको ये जो ₹300 वाला शेयर है ना, वो ₹300 का नहीं बल्कि 4 गुना सस्ता मिलेगा, यानी आपको ये जो 300 वाला शेयर है वो ₹75 में ही मिल जाएगा। तो ऐसे में वही ₹30,000, जिसमें अगर आप नॉर्मली शेयर्स बाय करेंगे तो आपको 100 शेयर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इंट्राडे में शेयर्स बाय करेंगे तो इस सेम केस में आपको एक शेयर में 4 times का मार्जिन मिलेगा, यानी जो ₹300 का शेयर है वो आपको ₹75 में मिल जाएगा। तो ऐसे में जो ₹30,000 है आपके पास,
पास उस 30,000 रुपीज से आप लगभग 400 शेयर खरीद पाएंगे। यानी पहले जहां आप 100 शेयर खरीद पा रहे थे तो अब आप 400 शेयर्स बाय कर लेंगे। तो इस केस में भी मान लो ITC के शेयर की प्राइस अगर 10 रुपीज बढ़ जाती है, तो क्योंकि अब आपके पास 400 शेयर्स हैं, तो अगर 10 रुपए प्राइस बढ़ेगी तो आपको इस केस में 4,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करने का बेनिफिट यह है कि इसमें आपको मार्जिन मिलता है, जिसमें आपको जो शेयर है वो 4 गुना सस्ता मिल जाता है, जिससे आप ज्यादा शेयर्स खरीद पाते हैं। और जैसे ही शेयर की प्राइस थोड़ी बहुत भी बढ़ती है, तो क्योंकि आपने कम अमाउंट लगाकर ज्यादा शेयर्स खरीद रखे हैं, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है। मान लीजिए अगर सेम केस में प्राइस गिरकर 290 रुपीज हो जाती, तो इस केस में आपको 1,000 रुपए का लॉस नहीं होता, आपको 4,000 रुपए का लॉस होता, क्योंकि आपके पास 400 शेयर्स थे, तो आपके 30,000 में से 4,000 रुपए घट जाते। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने में रिस्क भी यही है कि यहाँ पे मार्जिन मिलता है तो आप ज्यादा शेयर्स बाय कर पाते हैं, और बेनिफिट भी यही है कि यहाँ पे मार्जिन मिलता है तो आप ज्यादा शेयर्स बाय कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगर प्राइस बढ़ती है तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता है, और अगर गिरती है तो आपको ज्यादा लॉस होता है। लेकिन क्योंकि आपने इंट्राडे में शेयर्स बाय कर रखे हैं और आपको 4 गुना सस्ता शेयर मिला है, इसलिए यहाँ पर आपको आज अगर आपने शेयर बाय किया है तो आपको आज के आज ही बेचना होता है। जबकि अगर आपने मार्जिन ना लेकर नॉर्मली शेयर को बाय किया होगा, तो तब आपको आज के आज उस शेयर को बेचना जरूरी नहीं होगा। अब देखिए, ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया है, लेकिन जब तक मैं आपको ये प्रैक्टिकली ना दिखाऊं ना, तब तक आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो मैंने अपना एंजल वन का डीमैट अकाउंट खोल रखा है। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स में भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो मैंने सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे, उसके बाद आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना होता है। जिस भी कंपनी में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, आपको उसका ऐप डाउनलोड करना होगा। तो मेरा एंजल वन में डीमैट अकाउंट है, तो मैंने एंजल वन का ऐप खोल रखा है। अब जिस भी शेयर को आप बाय करना चाहते हैं, वो शेयर आपको सिर्फ यहां पे सर्च करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप RVNL का शेयर बाय करना चाहते हैं, तो ये जो शेयर है वो आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहां से भी बाय कर सकते हैं, या फिर यहां से अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। तो देखो, मैंने फेवरेट में RVNL का शेयर ऐड कर दिया है। अब अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो आपने इस पे क्लिक करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि RVNL के एक शेयर की प्राइस अभी 117 रुपीज चल रही है। तो अगर मैं इस स्टॉक को बाय करता हूं और नॉर्मली बाय करता हूं, जो कि डिलीवरी ऑप्शन होता है, तो वहां पर एक शेयर मुझे 117 रुपीज का ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंट्राडे में इसे बाय करता हूं, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये शेयर मुझे लगभग आधे प्राइस में 58 रुपीज में मिल रहा है। ये आप क्लियरली देख सकते हैं। अब यहां पर मैंने तो कहा था कि अप टू 4 टाइम्स का मार्जिन मिलता है, कुछ केसेस में 5 टाइम्स का भी मार्जिन मिलता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए इसमें 2 टाइम्स का मार्जिन मिलता है। अब वही अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक शेयर है, ये हमें डिलीवरी में अगर हम देखें तो हमें 533 रुपीज का मिल रहा है। जबकि वहीं अगर हम इंट्राडे में देखेंगे, तो इसमें हमें 5 टाइम्स का मार्जिन मिलता है और ये शेयर हमें 106 रुपए का मिल रहा है, यानी 5 गुना सस्ता। मतलब अगर आप एक शेयर बाय करेंगे, नॉर्मली बाय करेंगे, जैसे आप जब चाहें बेच सकते हैं, तो वो आपको 533 रुपए में मिलेगा। जबकि अगर आप इंट्राडे में वही 533 रुपए का यूज करेंगे, तो आपको 5 शेयर मिल जाएंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इंट्राडे में ट्रेड करने का यही फायदा है कि यहाँ पर आप कम पैसे लगाकर ज्यादा शेयर्स बाय कर सकते हैं। और क्योंकि आपने कम पैसे दिए हैं और आपको ज्यादा शेयर्स मिले हैं, इसलिए आपको आज के आज वो शेयर्स बेचने होते हैं। लेकिन इन केस मान लीजिए आपने मार्जिन लेकर, यानी 5 गुना सस्ते में शेयर को बाय किया और आप उसे आज के आज नहीं बेच पाते हैं, तो इस केस में भी आपका जो ब्रोकर है वो आपके बिहाफ में शेयर्स को बेच सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको जब आपने शेयर बाय कर लिया है, उसके सेम डे ही उस शेयर को बेचना होता है। अदरवाइज आप पे एक पेनल्टी भी लग सकती है, क्योंकि आपको शेयर सस्ते मिल रहे हैं, मार्जिन में मिल रहे हैं। अब दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, ये तो आपको समझ आ गया है। तो अब जल्दी से समझ लेते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, उसके बाद जानेंगे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से डेली 3,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके प्रोज की बात करें, तो इसका सबसे पहला प्रोज यह है कि क्योंकि इसमें आप आज ही शेयर बाय करके आज ही बेच देते हो, तो आपके ऊपर कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता है। यानी अगर नाइट में कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बैड न्यूज आ जाती है, तो इससे आपको कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा, मैंने आपको बताया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिलता है, तो आप एक स्टॉक को उससे 5 गुना कम प्राइस में बाय कर सकते हैं।
तीसरा दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको सस्ते में स्टॉक को बाय करना है और उसे महंगे में सेल करना है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वहां पर आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, यानी पहले आप महंगे में स्टॉक को सेल करके बाद में सस्ते में खरीद कर भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देखने के लिए आप YouTube में सर्च कर सकते हैं नीरज जोशी शॉर्ट सेलिंग और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चौथा यहां पर इसका बेनिफिट है कि क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप आज ही शेयर बाय करते हैं और आज ही सेल कर देते हैं, साथ ही इसमें आपको मार्जिन भी मिलता है, तो अगर आप सही तरीके से इसमें काम करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग का फिफ्थ बेनिफिट है कि इसमें आपको स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में या अदर डिटेल्स के बारे में सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और कौन से स्टॉक की प्राइस घटेगी। तो ये सभी इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बेनिफिट्स हैं। अब इसके कुछ कॉन्स की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में देखो रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि आपने आज ही शेयर खरीदना और आज ही बेचना है, तो ऐसे में प्राइस गिर भी सकती है, तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग करते हैं उससे ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे, जिसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, प्रॉफिट बहुत जल्दी हो जाता है, लॉस भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में उससे कम रिस्क होता है। और अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग उसके लिए बेटर है। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग से कंपेयर करें तो वहां पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है। इसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग की दूसरी कमी यह है कि क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा फोकस अपने ट्रेड पे रखना होता है। अगर आप फोकस नहीं रखेंगे तो यहां पर आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं है, आपको पूरा फोकस इस पे रखना होता है। और यही हमारा थर्ड कॉन्स भी है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो यहां पर आपको अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो उस टाइम आप बहुत खुश हो जाएंगे, या फिर कई बार लोग ग्रीडी भी हो जाते हैं। आपको लॉस हो रहा होगा तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे, उस टाइम पर लोगों को फियर का भी जो इमोशन है वो भी उनके अंदर आ जाता है। तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो। और इसका फोर्थ कौन सा है कि इसमें आपको डेली स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं कि आपको कल कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, क्योंकि पहले से ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सही स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाकर प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। वैसे स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप नीरज जोशी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स लिखकर अगर सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो इसका एक कौन सी है कि इसमें आपको डेली नए नए स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे, पता करना होगा कि उसकी प्राइस कब बढ़ सकती है, आपको न्यूज पर भी ध्यान रखना होगा, और साथ ही आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। इसके ऊपर भी वैसे हमने वीडियोस बना रखी हैं, सभी टॉपिक के ऊपर वीडियोस हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, या फिर आप ये सीखना चाहते हैं कि स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करना है, तो इसके लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको प्रोज एंड कॉन्स समझ आ चुके हैं, तो अब आते हैं मेन सवाल पर, जो कि है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से डेली 3,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सब कुछ हम आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बता रहे हैं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें, और ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि 3,000 रुपए का मतलब ये नहीं है कि आप डेली 3,000 ही कमाएंगे। हो सकता है किसी दिन आप थोड़ा ज्यादा कमा लें, किसी दिन थोड़ा कम कमाएं, या फिर किसी दिन आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ एक तरीका बता रहे हैं जिससे ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखो, अगर आप 3,000 रुपए डेली कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से 3,000 रुपए डेली इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाने के लिए जो मिनिमम आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए वो है 30,000 रुपीज। यानी आपको मिनिमम 30,000 रुपीज आपकी कैपिटल होनी चाहिए जिससे आप 3,000 रुपीज डेली कमा सकते हैं। हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जिससे ये इजीली पॉसिबल है। अगर आप चाहें तो आप 2,000 रुपए से भी डेली 3,000 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपके पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होंगे और आप में रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक सही अमाउंट जिससे हमें लगता है कि डेली 3,000 रुपए कमाए जा सकते हैं वो है 30,000 रुपीज। अब देखिए, आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5 times का मार्जिन मिलता है। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको अप टू 5 times का मार्जिन मिल जाता है, और जिसमें कम मार्जिन मिल रहा है उन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिनमें आपको 5 times का मार्जिन मिल जाएगा। तो ऐसे में आपके जो 30,000 रुपए हैं उससे आप टोटल 1.5 lakh rupees तक के स्टॉक्स बाय कर पाएंगे। यानी भले ही आप अपनी जेब से 30,000 रुपए लगाएंगे, लेकिन क्योंकि आपको 5 times तक का मार्जिन मिलेगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो होगा 1.5 lakh rupees। क्योंकि आपको 5 times का मार्जिन मिल रहा है तो आप 1.5 lakh rupees तक के स्टॉक्स खरीद सकते हैं।
अब क्योंकि 30,000 से आप 1.5 लाख रुपए तक के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, तो ऐसे में इस 1.5 लाख रुपए से 3,000 रुपए कमाने के लिए आपको सिर्फ 2% तक के रिटर्न्स चाहिए। मतलब अगर आप 2% भी किसी स्टॉक से निकाल लेते हैं तो भी आप रोज के 3,000 रुपए कमा सकते हैं 30,000 रुपए इन्वेस्ट करके। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, हमें अगर 3,000 रुपए कमाने हैं और हमारे पास 30,000 की कैपिटल है, तो ये 2% डेली देने वाले स्टॉक कहां से हमें मिलेंगे? तो देखो, वैसे मैंने आपको एक तरीका बताया है जिससे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक दूसरा और बहुत ही आसान तरीका बताता हूं जिससे जो नए लोग हैं वो एक स्टॉक को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं और 2% रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोज ही प्रॉफिट होगा, किसी दिन आपको प्रॉफिट होगा तो किसी भी दिन लॉस भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे कमाना पॉसिबल है। तो ऐसा स्टॉक ढूंढने के लिए जो कि आपको 2% का रिटर्न दे सकता है, आपको गूगल में जाकर सर्च करना है टॉप गेनर्स। जैसे ही आप टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे ही आप टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने NSE इंडिया की एक वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपको चले जाना है। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। अब जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होंगे उनमें क्लियर सी बात है कि वो बड़ी कंपनीज के होंगे, तो उनमें आपको मार्जिन भी 5 टाइम तक का मिल जाएगा और इसके साथ ही उन्हें बाय एंड सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको निफ्टी 50 के ही स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। अब यहां पर आपको ऐसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं जो आज में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तभी इनका नाम टॉप गेनर्स है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको इजीली नजर आए। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि अभी टॉप में जो स्टॉक है इसका नाम है बजाज फाइनेंस, जो कि आज में 1.67% बढ़ा है। दूसरा है ONGC जो कि आज में 1.60% बढ़ा है। ऐसे ही BPCL जो कि आज में 1.27% बढ़ा है। अब देखो, यहां पर आपको सारे वो स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं जो कि आज में बढ़े हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डायरेक्टली इन्हीं स्टॉक्स को बाय कर देना है, क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और हम क्योंकि जब वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पर अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं, तो मार्केट अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो आपको जिस दिन भी आप ट्रेड करना चाहते हैं उस दिन आपको सुबह सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 पर, उस टाइम पर जाकर इस लिस्ट को चेक करना है। जो भी स्टॉक्स उस टाइम पर आपको टॉप गेनर्स में नजर आ रहे हैं उनको आपको एक बार नोट कर लेना है। उसके बाद आपको 15-20 मिनट बाद जाकर दोबारा चेक करना है कि यहां पर कोई नया स्टॉक ऐड हुआ है। अगर कोई नया स्टॉक यहां पर ऐड हुआ है तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक ने अभी बढ़ना शुरू किया है, तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर उस दिन मार्केट अच्छा बढ़ता है तो आपको 2, 2.5 या 3% के भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल में जाना है, सर्च करना है टॉप गेनर्स एंड लूजर्स टुडे। उसके बाद आपको NSE की वेबसाइट में आ जाना है और यहाँ पर निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स की जो लिस्ट है उसको चेक कर लेना है। और ये सब आपको सुबह जब मार्केट ओपन होता है ना उसी टाइम पे देख लेना है, क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो सुबह से ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अगर आप दोपहर के बाद उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वहां पर आपके पास कम टाइम होगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा और ज़्यादातर स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छा खासा बढ़ चुके होंगे, तो वहां पर आपको कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह सुबह चेक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स के नाम नजर आएंगे जो कि उसी टाइम बढ़ना शुरू हुए हैं। और ऐसे में अगर कोई स्टॉक पहले नीचे था और वो ऊपर आने लगता है तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अभी मार्केट ओपन हुआ है, 9:15 हो रहा है और इस टाइम पर सिप्ला का जो स्टॉक है वो नीचे है, लेकिन आप 9:30 या उसके बाद देखते हैं कि सिप्ला का जो स्टॉक है वो तीसरे या चौथे नंबर पर आ चुका है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ रही है और अभी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस स्टॉक में उस टाइम पर ट्रेड ले सकते हैं और अगर उस दिन मार्केट अच्छा होगा तो वो 2-3% भी बढ़ सकता है और आप आराम से 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये भी एक दिन में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके डेली 2-3 हज़ार रुपए कमा सकते हैं और इवन कई केस में ज्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर किसी भी तरीके की अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें रिस्क हाई होता है और ऐसे में आपको लॉस होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ट्रेडिंग अपने रिस्क पर ही करें। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से बिल्कुल फ्री में अपना
वरना एंजल वन में डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जो प्लेलिस्ट अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके और भी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं और उससे आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।